चौधरी साहब बागपत आए हैं आज, क्या क्या बोला बागपत आए भाई? मिल रहे यहाँ पे लोग गन्ने भुगतान का क्या यहाँ पे व्यवस्था हो रही है इनकी, बिजली की क्या समस्या है? क्योंकि बागपत ऐसा जिला है कि जो पूरे प्रदेश में बिजली के सबसे ज्यादा रेट देता है, तो यहाँ पे पता कर लेंगे भाई, मीटर लगने लग रहे हैं, भुगतान है नहीं, तो साल में किसान के गन्ने का भुगतान होता है। जो गन्ना हम आज लगाएंगे दवाई उसमें आज लग रही है, अगले साल हो जाएगा, तीसरे साल उसके पैसे भी लगे, तो 3 साल की खेती होगी। ऐसा कोई व्यापार है कि जिसका पैसा 3 साल में मिलता हो? कोई व्यापार दुनिया में हो तो वही बता दो। तो इसीलिए किसान घाटे में है। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है, सरकारें बातचीत करने को तैयार नहीं है। समझौते जो दिल्ली का समझौता हो गया वो भी ऑनलाइन समझौता सरकार ने करा, उसको भी मान नहीं रही है, वो चाहे एमएसपी का सवाल हो या एनजीटी के नाम पे जो ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं उसका सवाल हो। हमने ये कहा कि एनजीटी में एक बार विचार होना चाहिए, हमको भी तो बैठा लो ना। जज की गाड़ी 10 साल में 50 से 60 हजार किलोमीटर चले, डॉक्टर की 70 से 80 90 हजार किलोमीटर चल जाती होगी 10 साल में, रोडवेज की गाड़ी 10 लाख किलोमीटर चलती है 10 साल में, और किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी एक कैटेगरी में आती है। लेकिन यह है कि 10 साल का वो कर दिया कि कंपनी को फायदा कैसे होगा, वो देश में ना चल रहा है। हम पूर्ण रूप से अगर सरकारें कोई फैसला गलत लेगी हम उसका विरोध करेंगे। तो जैसा कि इसमें किसान आंदोलन में कुछ मांगे मान ली थी, कुछ अधूरी रह गई थी, वे अभी तक पूरी नहीं की थी, अभी पूरी नहीं की। बिजली अमेंडमेंट बिल पे बातचीत हुई थी कि बिजली पे कोई भी होगा तो आप बातचीत करोगे, कोयले की कमी दिखाएगा, धीरे धीरे करके रेट बढ़ाने का एक पूरा इनका चल रहा है। दूध के प्रोडक्ट बाहर से आएंगे, इसलिए पूर्ण रूप से पशुधन को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश है। सीड बिल है, फसलों के रेट हैं, एमएसपी है, तो ये जो सारे सवाल है हमारे, मैं ये है कि खर्चा बहुत पड़ेगा लेकिन किसानों की फसलों के दाम नहीं है। और एमएसपी खाली है नहीं कि 23 फसलों का आप दोगे, जो भी देश में फसल पैदा हो रही है चाहे वो दूध है या वेजिटेबल्स है, उन सब पे एमएसपी तय हो। कोई दौड़ फाड़ नहीं हुई, संगठन के कुछ लोग थे वे विचारधारा से भिन्न थे, उनको निकालने वाला अलग संगठन आपका क्या स्टैंड होगा इसमें? नहीं, वे भी अलग हुई है, जब अलग हो गए तो निकालना भी उनको, दोनों चीजें हमने उनको मनाने की वो करी, लेकिन उन पर क्या प्रेशर था क्या वो है तो अलग चले गए, अपना अपना काम करो। वे भी किसान संगठन नाम इसी नाम से बना है, उन्होंने भी अपना काम करें और जनता की बहुत समस्या है उस पर काम करना चाहिए सबको। बहुत संगठन देश में 550 किसान संगठन संयुक्त मोर्चे में, तो अलग अलग उसमें अलग अलग लोग अपना काम कर रहे हैं, तो जो भी संगठन बन रहे सबको काम करना चाहिए। क्या संयुक्त मोर्चा का अगला कदम क्या होगा? अभी तक पूरी नहीं है संयुक्त मोर्चे की मीटिंगें होंगी अब, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे थे सब जगह, और भारत सरकार से यह है कि भारत सरकार इन सारे मुद्दों पर बातचीत करे। संयुक्त मोर्चे का जो भी कदम होगा वो बताएंगे, और सरकार से और हर स्टेट की गवर्नमेंट से हम बातचीत करेंगे। तो जो भी देश में घटनाक्रम होगा, वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो गलत फैसले लेगी तो मूवमेंट होगा।